दिस इज पार्थ एंड आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रेडमी 4 का। और ये खुल गया है उसका बॉक्स। वैसे ये मैंने MI में से मंगवाया है, MI स्टोर में से, तो इसका ये बॉक्स अलग से हमको देता है सेफ्टी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है इनवॉइस। और ये है हमारा रेडमी 4 का एक्चुअल बॉक्स। इस पे एक बड़ा सा 4 लिखा हुआ है, आपको शायद दिखे। और ये है हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बैक। और अब मैं इसे करने वाला हूँ कट। और ये नहीं हुआ कट, अब फिर से ट्राई करते हैं। ये हुआ है कट, हाँ अब ठीक से हुआ। तो ये अब खुलने वाला है रेडमी 4। बहुत मुश्किल से ये मिलता है क्योंकि यार बहुत से लोग बैठे होते हैं सेल में। और ये है हमारा बॉक्स, यहाँ पे कुछ दी हुई है इन्फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आपको रीड करना तो कर सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और ये है इसका एक और सील, ये सील हो गया है कट। अब मैं इसको करूँगा ओपन। और ये है रेडमी 4, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। और ये मैंने ब्लैक वर्जन में मंगाया है, तो फिर ये ब्लैक है। और ये है उसकी कुछ वारंटी गाइड्स एंड ऑल दैट, उसको छोड़िए। अभी देखते हैं ये फ़ोन, इसको मैं करने वाला हूँ अभी स्टार्ट। बट उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये है रेडमी का नॉर्मल चार्जर, ये है 2 एम्पियर का। सो ये नॉर्मल चार्जर ही है, कोई फास्ट चार्जर है नहीं। और यहाँ पे रेडमी देता है 4100 mAh की बैटरी, तो ये चार्जर इसके लिए सफिशिएंट है। और ये है हमारा ये सिम कार्ड और रिमूवर। और ये है अब हाथ में मेरे रेडमी 4। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया है स्टार्ट। और मैं बताना चाहूँगा कि ये फ़ोन है वो सेटअप होने में बहुत टाइम लगाता है। और अगर आपको इसका सेटअप देखना है तो ये नॉर्मल ही है बाकी फ़ोन की तरह, बहुत लोड ले रहा है ये टाइम। तो मैं तब तक के लिए ये वीडियो स्किप करता हूँ जब तक हमारा होम स्क्रीन नहीं आ जाता, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। और ये आ गया है हमारा होम स्क्रीन। बहुत मेहनत लगी है इसको सेटअप करने में। और ये बहुत ही स्मूथ है, यहाँ पे मेन्यू सेम टू सेम। और अब जाते हैं सेटिंग्स में, देखते हैं इसका वर्जन कौन सा है। ये है एंड्रॉयड वर्जन 6 मार्शमेलो या। और लगता है कि ये अपडेट वर्जन होगा इसका, इसका आगे अपडेट वर्जन नौगट में आ सकता है। और आएगा ही, क्योंकि यार अभी कंपटीशन इतना चल रहा है तो Xiaomi ऑब्वियसली निकालेगा। यहाँ पे है MIUI ग्लोबल 8.2 स्टेबल, 2.9 है और ये लेटेस्ट नहीं है, बट उसका भी अपडेट आ जाएगा क्योंकि Xiaomi बहुत सभी फ़ोन्स में अपने अपडेट्स डाल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे ये जो अपडेट्स हैं MI के, वो फ़ोन में वेराई होते हैं। अगर आपके पास सेम फ़ोन है, आपके फ्रेंड्स के पास कोई अलग फ़ोन है, तो उसके अपडेट्स थोड़े से लेट आते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई MI फ़ोन है तो यहाँ पे उसके अपडेट्स आते हैं। ये देखिए 8.2.9 है। और अभी मेरे पास Redmi Note 3 भी है और उसमें मेरा ये अपडेट इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा 8.2.4 पे अभी है लेटेस्ट। और ये है कैमरा, इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, 30 MP कैमरा देता है Redmi 4। तो MI के फ़ोन्स बहुत अच्छे आते हैं कैमरा के पर्पज़ में, इसमें बहुत से अच्छे पिक्स आप खींच सकते हो कंपेयर टू अदर फ़ोन्स। मोटोरोला में भी आते हैं अच्छे, बट MI इज़ अ गुड प्राइस रेंज। अगर आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो इसकी स्क्रीन भी बहुत अच्छी है। हाँ, और यहाँ पे ये दे रहा है 2.5D स्क्रीन। तो अभी बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मैं इसका एक कंपैरिजन भी डालने वाला हूँ Redmi Note 3 के साथ, और वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। एंड या थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल बी राइट बैक टू यू बाय अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।